नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन यूट्यूब चैनल पर। आपके कुछ समस्या है मेरे भाई, तो मैंने कहा उसका सुझाव बच्चों को दिया जाना चाहिए। और सच में आपके लिए वो चीज़ें मुझे करना चाहिए था और मैं कर रहा था, लेकिन बीच में कुछ समस्याओं के कारण मैंने नहीं किया। चलिए, अब फिर से मैं आपके लिए एक डेली एक अवसर मतलब एक वीडियो ऐसा बनाया करूँगा जिसमें आपके जो बहुत ही बेहतरीन डाउट हुआ वो करेंगे, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया करूँगा। मैं बताता हूँ सबसे पहले आपको बच्चों कि आपका सबसे पहला डाउट जो है यह कि सर एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा DLED का, एग्ज़ाम DLED का कब होगा। डायरेक्टली आप हमसे या मतलब ऑनलाइन में भी पूछ सकते हैं जब हम लाइव आते हैं, तो DLED का एग्ज़ाम कब होगा। दूसरी बात आप हमसे यह पूछे थे कि सर जो बच्चे प्रमोट हुए हैं 2019 बैच के प्रमोट हुए हैं उनका मार्कशीट कब आएगा। और जिनका बैक लगा था फोर्थ सेम में जिनका बैक लगा उनका मार्कशीट कब आएगा, यानी कि जो उनका फिर से जो मतलब प्रमोट हुए थे उनका रिजल्ट पहले शो हो जाए वह कब शो होगा। तीसरी चीज़ यह है जो 2016 17 15 जो भी और 18 भी हैं 16 था कि नहीं, 16 नहीं था, 13 था, 13 तो यह सब 13 15 17 18 जो विद्यार्थी हैं इनका जो बैक वाले बच्चे हैं इनका मार्कशीट कैसे मिलेगा कब मिलेगा, क्योंकि जो फ्रेश बच्चे थे उनका दे दिया गया है सचिव सर ने, मतलब एक तरह से फाइनल NCERT द्वारा जो नोटिस निकाला गया था उसके माध्यम से सचिव सर ने साफ साफ बोला है, एक तरह से ऑफिशियल नोटिस निकाल कर यहाँ आपको दे दिया गया है, इन लोगों को मिल चुका है, 2019 बैच वालों को नहीं मिला है। अब इसमें जो बैक लगाए थे उनको नहीं मिला है, तो जो बैक लगा कर बैठे उनको कैसे मिलेगा उस पर हम चर्चा करेंगे। चौथी बात यह कि सर प्रत्यावेदन के लिए क्या क्या ले जाना होगा। बहुत बड़ा डाउट है, इसको मैं फिर से क्लियर कर दूंगा। प्रत्यावेदन के लिए क्या क्या ले जाना होगा और कब तक जमा कर सकते हैं, लास्ट यानी अंतिम डेट क्या है, और मैं जमा कर सकता हूँ या किसी और से करा सकता हूँ। और जो आपका सबसे बड़ा डाउट है क्लासेस कब से चलेंगे, यह बेहतरीन डाउट है जिसका भी है भाई। इसमें टीका उका लगा लो अच्छे से, लो इसका मुँह सू जो भी बनाना हो बना लो, ऐसे बना लो, ठीक है ना भाई, ये क्लासेस के फिगर है। और कोई डाउट हो तो बता सकते हो, DLED से रिलेटेड और CTET UPTET से रिलेटेड किसी और वीडियो में देख लेंगे। देखिए एग्ज़ाम DLED का कब होगा मेरे भाई, नेक्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा। सबसे बड़ा रुकावट आपका आएगा पीछे पता है क्या, स्कूटनी, क्योंकि स्कूटनी का रिजल्ट अभी तो अनाउंसमेंट होने वाला नहीं है, अभी तो फॉर्म ही भरे जा रहे हैं, 19 तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद इसका फॉर्म भरने के बाद मेरे भाई इसमें कापियाँ मंगाई जाएंगी अगर प्रेशर करोगे तो, नहीं तो एक मंथ इसमें ले लो पूरा का पूरा, एक महीने पूरा जाएगा कापियाँ मंगवाने में, कापियाँ चेक करने में। इसके बाद 15 दिन उनको कोचो, रिजल्ट निकालो, नहीं मानेंगे आजकल करेंगे, फिर कोचो, तब तक पता चला आ गया एग्ज़ाम का डेट और उसमें कोचते रहो, वो आजकल करेंगे, एग्ज़ाम का डेट भी टालेंगे उसी के चक्कर में, रिजल्ट आने के बाद एग्ज़ाम करवाएंगे। ऐसा नहीं कि रिजल्ट के पहले नहीं हो सकता, लेकिन ज़्यादातर यही चांस बनते हैं कि रिजल्ट के बाद ही आपके एग्ज़ाम होते हैं, है ना, ज़्यादातर चांस यही बनता है। एक बार ऐसा हुआ था कि रिजल्ट के पहले हो गया था लेकिन इनके कार्यकाल में नहीं, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें हैं आपका, हो सकता है इन्होंने बोला है लास्ट अक्टूबर में आपके एग्ज़ाम कराए जाएंगे, लेकिन इम्पॉसिबल मान सकते हो क्योंकि उसी समय आपके दशहरा जो आपका पता है दशहरा, इसके बाद दीपावली, बहुत सारे त्यौहार भी उसी समय पड़ जाएंगे, दीपावली वगैरह पड़ जाएंगे। अब इसमें आपका डिले होगा, सेशन डिले होगा मेरे भाई, तो आप समझ सकते हो आपके एग्ज़ाम इसमें नहीं कराए जा सकते। आपके एग्ज़ाम नवंबर में जा सकता है, नवंबर में आप उसको समझ में आ रहा है, अगर ये 3 महीने तक चलता है स्कूटनी का फॉर्म 3 महीने तक चलता है, तो मेरे भाई अगर 19 सितंबर को ख़त्म होगा, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर, यानी कि 19 नवंबर तक मेरे भाई 3 महीने होगा, यानी कि 19 नवंबर तक वेट करना पड़ेगा मेरे भाई, 19 नवंबर तक वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर 19 नवंबर तक हो जाता है एग्ज़ाम तब भी बहुत अच्छा है, जनवरी फरवरी लास्ट तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे भाई, कम से कम 2019 जो फोर्थ सेमेस्टर देने वाले हैं वह शिक्षक भर्ती में बैठ सकेंगे, है ना। यह चीज़ें तो आपका एग्ज़ाम कब होगा शायद आप जान चुके होंगे सारे प्रोसेस। इसके बाद आ जाते हैं 2019 प्रमोट के मार्कशीट कब आएंगे, जो बच्चे प्रमोट हुए हैं जो फ्रेश बच्चे हैं उनका मार्कशीट कब मिलेगा, यह चीज़ बहुत सारे अभ्यर्थी का एक तरह से डाउट है, तो हम बता देते हैं। आपके जो मार्कशीट हैं मेरे भाई
जो आपके मार्कशीट है 2019 प्रमोट वाले अभ्यर्थी, मतलब जो प्रमोट हुए थे या फिर जो फ्रेश बच्चे थे प्रमोट होकर फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम या पास कर लिए हैं, या फिर अब जो बैक लगाए थे फोर्थ सेमेस्टर में अब जाके पास हुए हैं, उनका जो प्रमोट वाला रिजल्ट है वो कब आएगा? वह तो शायद इसी स्कूटनी के अपडेट के साथ साथ इनका अपडेट हो जाएगा, लेकिन जो यह मार्कशीट वाला फंडा है मेरे भाई, यह आ जाना चाहिए था 6 महीने का ही अंदर, 6 महीने के अंदर आ जाना चाहिए था, लेकिन अब यह उसी दिन, मतलब यह एक मार्क्स एक कह लीजिए कि नोटिस जारी कर बोल रहे हैं कि सारे बैच के प्रशिक्षकों का आ चुका है और केवल 2019 को छोड़ के और सारे सेम के सारे बैच के बच्चों का, बैक वाले बच्चों का छोड़कर सारे लोग का आ चुका है 2019 बैच का छोड़ के। 2019 का कब आएगा इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, बशर्ते एक विद्यार्थी द्वारा पूछा गया था इनके द्वारा कि जब ये आपका रिजल्ट नहीं आया था उसी समय पूछा गया था कि सर हम लोग का मार्कशीट कब मिलेगा कॉलेज से, इनके द्वारा कहा गया था कि यह लास्ट सेप्टेम्बर तक, यानी कभी लास्ट सेप्टेम्बर तो बीता नहीं है तो लास्ट सेप्टेम्बर तक वेट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि हम विद्यार्थी लाइफ में क्या है, जब तक सक्सेस नहीं मिलती है तब तक हर तरफ से तड़प मिलता है, और हर तरफ से अगर चीज़ें हमारे कंडीशन में हमारे एक तरह से अंदर नहीं होती, कंट्रोल में नहीं होती है ना, तो हर कोई सताने को तैयार होता है, चाहे वह सचिव सर हो, चाहे वह घर का कोई मेंबर हो, चाहे वह बाहर का कोई मेंबर हो, हर कोई सताने को तैयार होता है मेरे भाई, समझ रहे हो ना। तो मानसिक टेंशन तो बहुत काफ़ी होते हैं, लेकिन आपको इसमें कुछ ना सोचना है, सबके साथ ये चीज़ें घट रही हैं, आप ही नहीं हो, सब बहुत सारे विद्यार्थी हैं, इस चीज़ को देखकर आप थोड़ा शांति मनाएं। और 2019 बैच की बात करें तो 2019 तो बहुत ग्रुपिंग में बढ़ चुका है मेरे भाई, पहला तो फ्रेश बच्चे, फिर DLED फोर्थ सेमेस्टर में बैक है जिनका वो पास है अदर वो बच्चे, फिर से सेकंड सेमेस्टर में बैक लगाने वाले बच्चे, फिर जो सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर पास हो गए वो बच्चे, अब थर्ड सेमेस्टर में बैक लगा लिए वो बच्चे, मतलब कि ग्रुपिंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है 2019 बैच में। इसका कारण मात्र पता है क्या है? कोरोना। इनकी हालत बहुत खस्ता है, अब जो उनकी हालत थोड़ी सी सुधारी जा सकती है, जैसे जो फोर्थ सेमेस्टर में पास हो गए और जो फ्रेश बच्चे थे वो तो ठीक ठाक थे, अब जो जिन्होंने थर्ड सेमेस्टर पूरी तरीके से पास भी कर लिया इस बार, वो अभी बहुत अच्छे कैटेगरी में आ जाएंगे 2-3 महीने बाद, ठीक है। इसके बाद 13, 15, 17, 18 बैक मार्कशीट कब मिलेगा? भाई देखिए, इनके लिए कहा जा सकता है जिनका बैक है, जिनका मार्कशीट, जिनके सेमेस्टर के पूरे मार्कशीट मिल चुके हैं, जिन बैच के मार्कशीट दे दिए गए हैं फ्रेश बच्चों को, बैक लगा कर बैठे थे बच्चे जो अब पास हुए हैं, उनके लिए हम यही कहेंगे कि वह अपने डाइट संबंधित जिले के डाइट पर, मतलब कि जहाँ से आप निजी, जैसे आप हैं आजमगढ़ के और आप बस्ती डाइट से, बस्ती किसी जो निजी संस्थान वहाँ से आप DLED कर रहे हैं, बस्ती से आप DLED कर रहे हैं, आप हैं आजमगढ़ के, तो आजमगढ़ वाला जो डाइट है मेरे भाई, आपका वह डाइट अब नहीं कहेगा, आपका बस्ती डाइट कहेगा, क्योंकि आप निजी संस्थान जहाँ से आप कर रहे हैं वह जिला, उस जिले का डाइट आपका होगा, आप उस जिले से पता करेंगे, उस जिले के डाइट से पता करेंगे कि आपका मार्कशीट कब आएगा, जाकर पता कर सकते हैं, कॉल से पता कर सकते हैं और अपने निजी संस्थान से भी पता कर सकते हैं। वैसे निजी संस्थान वाले तो खड़ूस हो गए और थोड़े से पैसे वगैरह के अटने के चक्कर में आपको बर्बाद करने पे तुले होते हैं ससुरे से। प्रत्यावेदन कब? भैया प्रत्यावेदन वालों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई मेरे, आप लोग जमा कर रहे हो तो भी सही है, ना कर रहे हो तो भी सही है, मतलब कि इसमें बच्चे इतना परेशान है ना, बच्चों को प्रताड़ना इतनी सहनी पड़ रही है मेरे भाई, बच्चे कचोट के रह जा रहे हैं कि मतलब क्या करें सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही खुद बताओ मैं क्या करूं। तो मैं बताता हूं इनको क्या करना है। पहले तो ऐसे बच्चे प्रत्यावेदन देंगे जिनका केवल एक सेमेस्टर के किसी भी एक सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में 3 बार बैक होगा, ऐसे बच्चे तो देंगे ही देंगे, और वैसे बच्चे भी दे देंगे प्रत्यावेदन जिनका किसी भी सब्जेक्ट के एक सेमेस्टर में 3 बार तो बैक है ही, किसी भी सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में तीन बार बैक तो है ही, और किसी अदर सेमेस्टर में भी 1 बार बैक है उसमें चांस बचा हुआ है, तो ऐसे बच्चे का इस बार आने की पूरी संभावना है प्रत्यावेदन। अब देखिए सारे बच्चों का आएगा कि नहीं आएगा हम ये बातें नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि प्रत्यावेदन एक तरह से जुआ है, जुआ जिसे जुआ बोलते हैं, फिर कह लीजिए कि बकेट में जो डालकर क्या कहा जाता है उसको, लकी ड्रॉ जो होता है ना, उस तरह का कोई गेम कह लीजिए, डॉक्टर सर उसमें से बकेट में से निकालते हैं, लो इतने बच्चों का एग्जाम होगा, ऐसे तो पिछले बार 10,000 बच्चों ने दिया था, 2,000 बच्चों का हुआ था, 8,000-9,000 के बच्चों में से इस बार भी होगा, कुछ ना कुछ बच्चों का होगा जो थोड़े से पता है, इस बार हुआ भी था और मैक्सिमम बच्चे बैक भी लगा लिए, मतलब 300-400 बच्चे फिर से बैक लगा लिए, सोचो चौथी बार, मतलब कि इतना नहीं लगता यार आप लोग को, शर्म नहीं आती है कि मुझे चांस मिला हुआ है, कम से कम इस चांस को मैं खोऊं ना, ये तो ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हो, 4 साल आपका नुकसान हो जाएगा, 2 साल तो DLED में और 2 साल वेट करने में गया, 4 साल तो DLED करने में चला गया, ठीक है ना। तो इस तरह प्रत्यावेदन आप कब जमा करोगे हम बता देते हैं, ऐसे बच्चे जिनको जमा करना है वह जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आया ना तब से लेकर आप जब तक एग्जामिनेशन नेक्स्ट सेमेस्टर के फॉर्म नहीं भरे जाते एग्जामिनेशन फॉर्म तब तक आप जमा कर सकते हो, लेकिन उसके पहले पहले 5 दिन पहले जमा कर देना, नहीं तो फिर नहीं आने वाला है ये तो आप समझना। फिर उसके बाद फिर अंतिम तिथि भी वही है, मतलब जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा इसके बाद कब तक जमा होगा, क्या जमा करना है इसमें,
तो बताओगे भैया एक पासपोर्ट साइज का फोटो लेके चले जाना, अगर मांगेगा तो देंगे, नहीं मांगेगा तो नहीं देंगे। थोड़ा सा एक मिनट। दूसरी बात आप क्या करोगे, दूसरी बात आप यह करोगे कि अपना जो मार्कशीट होगा सारा सर वह ले जाओगे, और तीसरी बात आप क्या करोगे, तीसरी बात अपना जो जो प्रत्यावेदन लिखे रहोगे वो ले जाओगे, और तीसरी बात यह है, चौथी बात यह है कि मान लीजिए कोई किसी कोई लेडीज़ है, कोई प्रेग्नेंट है, हमारी बहनें कोई प्रेग्नेंट हैं, तो या फिर कोई प्रॉब्लम्स हो दूर से आना हो तो आप किसी के साथ लेकर आ सकती हैं, अगर मतलब कुछ प्रॉब्लम हो अंग वंग में कुछ दिक्कत हो तो क्या कहते हैं उसे, देखो क्या कहते हैं भाई, मतलब क्या कहते हैं, सॉरी उसके लिए अगर कुछ गलत वर्ड बोल दिए हों तो, लेकिन क्या कहते हैं मुझे थोड़ा सा स्किप किया दिमाग से, तो ऐसे ऐसे मेरे भाई वह अपने किसी पेरेंट्स को भेज सकते हैं, अपने किसी भाई को भेज सकते हैं, अपने किसी दोस्त को भेज सकते हैं, अपने किसी कलीग को भेज सकते हैं, वो भी जमा करा देंगे, कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है ना, ये चीज़ें होंगी। और रह गई बात भैया क्लासेस के बारे में, तो क्लासेस के बारे में उन्होंने बहुत बार बताया है, फिर से बता देते हैं, क्लासेस आपका जो DLED का मैथ का है वह DLED 4 semester का मैथ का है, वह 6 बजे से चलता है डेली, 6 बजे शाम को 6 PM पर, और जो अभी सेकेंड सेमेस्टर का मैथ है वो 9 बजे से हम लगाएंगे, 9 बजे से आएगा, लेकिन आज हो सकता नहीं आए, कुछ दिन में 9 बजे से आने लगेगा, 2 क्लास हम पहले ही लेकर चलेंगे, मैथ DLED 4 semester का 6 क्लास खत्म हो गया, 6 चैप्टर खत्म हो गया है, इसी तरह से खत्म होने में समय नहीं लगेगा भाई, आप लोग कितना पढ़ रहे हो कितना क्या कर रहे हो मुझे पता है, अगर आप लोग सही से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करोगे, नहीं तो फिर आप लोग समझना आप लोग का काम समझेगा, क्योंकि समस्याएं तो पार्ट मतलब लाइफ की एक पार्ट है, आना उसका स्वाभाविक है, क्योंकि जब सामान्य स्थिति होती है तो स्थिति जटिल भी होती है, अगर ये दोनों एक साथ घटित हों तब भी दिक्कत होता है, एक साथ ना घटित हों तब भी दिक्कत होता है, लेकिन एक एक करके घटित होती हैं तो इसे सुधारा जा सकता है, समझा जा सकता है, बूझा जा सकता है, फिर भाई समस्याएँ एक तरफ हैं और एक तरफ आपको स्ट्रगल है, तो ये दोनों चीज़ें हमको साथ में लेकर पहले ही हम चल सकते हैं और हम चलेंगे भी, ठीक है, धन्यवाद।